हमारे देश में आजकल ये एक ट्रेंड आ गया है कि कुछ भी हो तो भारत बंद कर दो, प्रोटेस्ट कर दो, ये एक सॉल्यूशन हमारी नज़र से नहीं है। नहीं, भारत बंद करना कोई सॉल्यूशन तो मैं समझता नहीं इसको, लेकिन कोरोना भी चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से जो है ठीक नहीं है अभी तक तो। बाकी लोग अपने शॉप दुकानें कभी बंद करेंगे, इसका साथ नहीं देंगे, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये तो इनइफेक्टिव रहा मेरे समझ से और मैं इसके अगेंस्ट हूँ, तो ये गलत कदम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, मैं आपके साथ हूँ विशाल पांडे। आज 26 मार्च को किसानों के तरफ से भारत बंद होने का ऐलान किया गया था। आप मेरे पीछे जो गाड़ियों का हुजूम है ये लगातार चलते जा रहा है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा हो चाहे दिल्ली हो, गाड़ियां तो हर जगह चल रही है, रोड चालू हैं। ऐसे में हम लोगों से बातचीत करेंगे आज और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो किसानों का भारत बंद ऐलान है ये कहां तक सही है, पास है या फेल है, और इसको लोग किस नज़रिए से देखते हैं। आपको साथ ही ये भी बता देते हैं कि किसानों को कृषि कानून बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गए और 4 महीने बाद आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम? रवि नाम है मेरा। रवि जी, ये बताइए, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता होगा 4 महीने से ज़्यादा हो गए, किसान सरकार किसानों की बात सुन नहीं रही है। ऐसे में किसानों ने आज ऐलान किया था कि 26 मार्च को पूरा भारत वो बंद करेंगे। आप इस ऐलान को कितना हद तक सही मानते हैं और किस नज़रिए से देखते हैं इस ऐलान? देखो, जो ऐलान उन्होंने किया है कि भारत बंद, वैसे अगर कंसीडर किया है होली का टाइम पीरियड चल रहा है, इस तरह भारत बंद में लोग आना जाना कर रहे होंगे और ऐसे टाइम पे भारत बंद करना, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कितने हद तक उन्होंने ये ठीक किया। और इसी का रिजल्ट जो आप बोल रहे हैं कि भारत बंद नहीं दिख रहा है, ये इसका यही रीज़न है। वो कि आखिर भारत बंद किया तो भारत बंद दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ट्रेन बसें सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ चल रही है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और वो रीज़न है कि जो जो किसान है ना, मुझे समय लग रहा है एक तो मेन क्या है, वो खुद ही आपस में अपने साथ में नहीं है। अगर एक साथ यूनियन होती मे बी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहता। दूसरा, जो कृषि कानून को लेकर जो बात करी जा रही है, वो कृषि कानून कहीं ना कहीं संभाव किसानों के लिए, कुछ किसान कहते हैं मेरे लिए ठीक है, कुछ किसान कहते हैं मेरे लिए ठीक नहीं है। जब तक वो चीज़ें यूनियन नहीं हो पाएंगी तब तक इस चीज़ का कभी रिजल्ट नहीं पाया, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि ये चीज़ सही है और किसान खुद आगे बढ़ के कह रहे हैं हमारे लिए ये चीज़ सही है, पर उनमें पॉलिटिशियन पार्टी, इतने लोग इन्वॉल्व हो गए डिफरेंट पार्टीज़ की, जो इस चीज़ को खुद अपोजिशन कर रहे हैं। देखा जाए तो 2-4 राज्य हैं जो ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ जगह हो गए, इन्हीं के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी भारत के तो किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेजर यही 4-5 जगह, एक दो और जगह की सिटीज़ है जहाँ पे लोग बोल रहे हैं, बाकी जगह पे नहीं बोल रहे। हो सकता कुछ उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो, जो नहीं चाहते इस तरह की चीज़ें हों, चाहे उनकी सरकार पे दबाव पड़े इनडायरेक्टली डायरेक्टली, दीज आर दी थिंग विच आई फील दैट, अदरवाइज इस तरह का कोई इम्पैक्ट अभी ना आया है, फ्यूचर में कभी होगा मुझे नहीं लगता किस तरह का होगा, जब तक चीज़ें यूनियन नहीं होगी और सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ के पक्ष में नहीं है। तो भारत बंद किसानों का आपके हिसाब से फेल हो गया? पूरा कम्प्लीट तरीके से फेल है। शुक्रिया। नाम बताइए सबसे पहले। रोहित नाम है। किसान 4 महीने से पिछला प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो नए कृषि बिल आए हैं 3, उसके खिलाफ सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है। ऐसे में किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था, इस ऐलान को आप किस नज़र से देखते हैं? इस ऐलान को दोनों ही तरफ से देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है। अगर पॉजिटिव ओर से देखें तो उनकी ओर से एक अलग कदम है, वो कि उन्होंने अपने तरीके से सोचा है। अगर नेगेटिव तरीके से देखें तो यही है, क्योंकि लोग तो बाहर निकल ही रहे हैं, उनके काम धंधे हैं, वो सभी काम कर रहे हैं, तो ये एक गलत कदम है इस तरीके से। ये बताइए कि पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार जब किसानों ने बंद किया था भारत, तो कई जगह बंद हुआ था असल में, लेकिन इस बार का भारत बंद फेल क्यों हो गया? इस बार का भारत बंद इस वजह से फेल हो गया क्योंकि त्यौहार भी है इस बार और लोग खरीदारी करने के लिए बाहर निकले हुए हैं, पिछली बार ऐसा कोई माहौल नहीं था, त्यौहार का भी नहीं था, तो इस वजह से। ऐसे में अगर किसी भी आंदोलन में भारत बंद का, चाहे वो कोई भी ऐलान करे, किसान करे या कोई राजनीतिक दल करे या कोई भी करे, मुश्किल तो जो भारत के जो जनता है उसी को उठानी पड़ती है, तो ये भारत बंद का ऐलान किस हद तक सही है? भारत बंद का ऐलान सही किसी को करना चाहिए? वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट क्या है वो पुलिस या अदर चीज़ें मतलब देखते हैं, जो रूल रेगुलेशन वो तय करते हैं लोग उसके बाउंडेशन के तहत कार्य करते हैं, ना कि मतलब अदर कोई भी राजनेता उठ के कह दे कि मतलब इस तरह से भारत बंद है वो, तो लोग अपनी आजीविका उस तरीके से नहीं देखेंगे। शुक्रिया। सर अपना नाम बताएं। हाँ, शुभम बात कर रहा हूँ। सर आज किसानों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया था कि भारत बंद, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि कहीं भारत बंद नहीं दिख रहा, तो आप इस ऐलान को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारत बंद बेसिकली क्यों होना चाहिए, मतलब मैं ठीक है कोई चीज़ अच्छी या बुरी हो सकती है, सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट अगर मान लो गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आई तो आप एक थोड़ा ना टू लेवल टॉक्स होती है, मतलब दोनों पार्टीज आमने सामने आती हैं, बात करती हैं, बट हर एक चीज़ें बंद करने से सॉल्व नहीं होती हैं।
मैं मान रहा हूँ कि मतलब आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ किसान इसके सपोर्ट में है। अब अगर मैं मेजर स्टेट्स में लूँ तो इस हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के पार्ट्स को छोड़कर मेजर आप जो किसान है वो कहीं नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप ईस्टर्न यूपी में चले जाओ, अक्रॉस इंडिया। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक राजनीतिक पहलू दिया जा रहा है, ताकि आप भी देख सकते हो कि इस टाइम पे अपना जो अपोजिशन है, मैं अपोजिशन की बात करूँगा तो कांग्रेस है, यूपीए गवर्नमेंट, ये यही लोग सिर्फ हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप सीए को उठा के देख लो, ये भी दो चार महीने की चीज़ थी। ये किसान, इनको एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, एक कोई मुद्दा चाहिए बस अपनी राजनीति लड़ने का, क्योंकि 300-350 सीटें बीजेपी लेके जा रही है और एक मेजर रीजन है कि स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बहाने से बस स्टैंड करना चाहते हैं। दस सर, इससे पहले भारत बंद की बात करें तो पिछली बार जब भारत बंद का ऐलान हुआ था तो भारत बहुत जगह बंद हुआ था, तो इस बार भारत क्यों बंद नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? कोई चीजें मेजोरिटी से डिपेंड करते हैं। अगर आप मेजोरिटी में जो चीजें जाती हैं, उस टाइम पे शायद मेजोरिटी ऑफ पीपल उसके सपोर्ट में थे तो भारत बंद हुआ। इस टाइम पे मेजोरिटी ऑफ पीपल इसके अगेंस्ट में। अभी आप देखो कि डीएनडी पे इतने दिन से जाम लगा हुआ है। मैं डेली ट्रेवल करता हूँ, जिस दिन मैं वसुंधरा से अगर कभी मेरे को दिल्ली जाना होता तो जहाँ पे 20 मिनट का टाइम लगता था, आज की डेट में मेरे को डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे भी लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आप डीएनडी के अलावा यहाँ NH-24 पे देख लो, पूरा का पूरा ब्लॉकेज है। आप सोच सकते हो कि नॉर्मल ह्यूमंस को कितनी तकलीफ होती है। पूरा गाजियाबाद डिस्कनेक्ट हो गया दिल्ली से, आप इस चीज़ को कंसिडर करो। और शायद गाजियाबाद की पॉपुलेशन या अपने NCR की पॉपुलेशन इसी प्रोटेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें ट्रबल कर रही है। आपकी राय में ये जो है उनको नहीं करना चाहिए था? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करना चाहिए। भारत बंद का ऐलान एक तरह से गलत है। मतलब ऐलान क्या होता है, ऐलान तो कुछ नहीं होता, ऐलान कुछ भी कर दो, प्रैक्टिकली क्या होता है वो देखना जाता है ना, तो ये तो इनइफेक्टिव रहा मेरे समझ से और मैं इसके अगेंस्ट। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार है। क्या करते हैं? मेरा सब्जी का शॉप है। सब्जी की शॉप है। तो किसानों की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया था भारत बंद का, तो जैसे देखने में आ रहा है कि भारत कहीं से बंद नहीं है, तो आप इस ऐलान को किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो इसी से देखता हूँ कि लोग एक तो त्यौहार नजदीक है, लोग अपने शॉप दुकानें कभी बंद नहीं करेंगे, इसका साथ नहीं देंगे, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो किसानों को चाहिए कि अपनी बसरते शर्त मनवाने के लिए जो जायज है वो जायज करे, तो ना जायज ना जाए थोड़े। अब इसमें कुछ काफ़ी पैसे वाले ऐसे भी है जो चाह रहे कि हमको भी मुआवजा मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको आरक्षण मिल जाए। जिन लोगों को जरूरत है, वाकई कुछ किसान गरीब भी है, लेकिन 10-20% जो किसान गरीब है तो उन पर ध्यान दिया जाए सरकार को। पहले की बात करें, जब एक बार किसान ने और बोला था भारत बंद, तो फिर बहुत हद तक भारत बंद था, तो लेकिन अब ये दोबारा से भारत बंद की बात हुई है, तो भारत बंद देखने में क्यों नहीं मिल रहा है? यही है बस, लोग अपने कामों में ध्यान दे रहे हैं। एक तो कोरोना की वजह से लोग दुखी है, बेरोजगार हो चुके हैं, छोटे बड़े आदमी सब बराबर हो चुके हैं। अपना नाम बता दें। परवीन कुमार। किसानों की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है भारत बंद का, इससे पहले भी कई बार हुआ है, तो आप इस ऐलान को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए जी, भारत बंद करना कोई सोल्यूशन तो मैं समझता नहीं इसको, लेकिन कोरोना भी चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं, उस हिसाब से जो है ठीक नहीं है अभी तक तो। बाकी अपना राजनेता वगैरह समझें कि इसके लिए किसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सर, इससे पहले अगर भारत बंद की बात करें तो इससे पहले भी भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें बहुत हद तक भारत बंद देखा गया, लेकिन क्या कारण है इस बार ये भारत बंद मिशन जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? थोड़ा कोरोना की वजह से भी ज्यादा थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, कुछ फसल का टाइम भी आ रहा है, उधर का भी सब देखना है। कुछ लोग समझ भी रहे हैं, कुछ लोग ना समझ भी रहे हैं, तो फेस्टिवल भी और होली भी है, सब चीजों को देखते हुए। सर, सबसे पहले अपना नाम? राज झा। क्या करते हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। किसानों की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है भारत बंद का, तो आप इस ऐलान को किस नजरिए से देखते हैं? मैम, भारत बंद की जहाँ तक सवाल है, ये गलत है एक तरह से, क्योंकि आप जो जिसके लिए कर रहे हो आपका पर्पस फुल नहीं हो रहा है। आप गवर्नमेंट को एक तरह से चुनौती दे रहे हो, बट वो ऑटोमेटिक पब्लिक पे आ रही है। जहाँ तक मैं आज न्यूज़ देख के निकला था, एक लेडीज थी जिनको आज आर्मी कॉलेज ज्वाइन करना था, बट उन्होंने भारत बंद की वजह से उनका छुट्टियाँ ज़्यादा हो गई और रो रही थी। तो यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं है, हर एक चीज़ चल रही है, तो किसान को कुछ अलग करना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट का तक उनका बात पहुंच सके। भारत करने से कोई भी पहले, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं भारत बंद दो बार हो चुका है, कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, भारत बंद एक सोल्यूशन नहीं है।
हमारे देश में आजकल ये एक ट्रेंड आ गया है कि कुछ भी हो तो भारत बंद कर दो, प्रोटेस्ट कर दो, ये एक सॉल्यूशन हमारी नज़र से नहीं है। कुछ और करना चाहिए किसान को ताकि उनकी वॉइस जो है वो गवर्नमेंट तक जाए। तो ये सुनिए आपने लोगों की राय, ऐसी बहुत सारी अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए डी एन पी इंडिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।